हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रिशियन एंड डीटीएस सर्विस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि हमारा वाटर गीजर जो होता है, वाटर गीजर देख सकते हैं, ये हमारा वाटर गीजर है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सामान लगता है। तो देख सकते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे दो इनलेट एंड आउटलेट पाइप है, जो कि इनलेट और आउटलेट जो टोटी रहता है उसमें लगेगा। और यहाँ पे गाइस हमारा देख सकते हैं टेफ्लॉन टेप है, और उसके बाद आपको फास्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद 10 नंबर टी और 10 नंबर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में एक हैमर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसको हैंकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये सब सामान हमारे उपलब्ध हैं, और इसको लगाना कहाँ पे दिखाते हैं हम आप लोगों को। देख सकते हैं गाइस, ये हमारा बाथरूम है, तो बाथरूम में वहाँ पे हमने दे रखा है गीजर का पॉइंट, तो वहाँ ऊपर की साइड में वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दोनों हमारा टोटी निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले गाइस, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस, लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारे सामान उपलब्ध है। उसके बाद में यहाँ पे इनलेट और आउटलेट, सबसे मेन रीज़न क्या रहता है गीजर में, इनलेट और आउटलेट पाइप को देखना। तो चलिए गाइस, हम इसको चलिए हैंकिंग करते हैं, सब कुछ करके आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारा दो स्क्रू पे ये हैंकिंग होगा, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, और थोड़ा पास लेके आइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो स्क्रू पे हमारा हैंकिंग होगा, तो इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं वहाँ पे, उस वहाँ पे ऊपर में यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारा लगेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो चलिए इसको हैंकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लगा सकते थे, मगर यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा ऊपर के साइड में लगाएंगे, नीचे के साइड में नहीं ज़्यादा लगाएंगे, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम होगा। इस जगह पे हम इंस्टॉल करेंगे इसको। तो चलिए गाइस, इसको हैंकिंग करते हैं। इसके जो माप हैंगिंग करने, हैंगिंग तो सभी लोग कर लेंगे गाइस, तो इसको माप ले लेते हैं और हैंगिंग करते हैं। चलिए हैंगिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे गाइस, जो हमारा हैंकिंग करने का वो है, जहाँ पे हैंकिंग करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 इंची पे हैंकिंग करना है, तो 2 इंची पे वहाँ पे हम ऊपर में लिखे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे 2 इंची पे, एकदम सीधा सीधा मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 इंची पे मार्किंग करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे लेबल। उसके बाद में लेबल रखने के बाद में इसको हम मार्किंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमने लेबल ले लिया, और उसके बाद 2 इंची पे हमारा लेबल है, 1 इंची एंड 2 इंची, मतलब वैसे तो बोला जाए 3 इंची पे है, क्योंकि एक हमारा वो पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंची पे लेबल आ गया है। यहाँ पे हम स्क्रू 2 फास्टनर लगाएंगे। चलिए यहाँ पे होल्ड करके हम फास्टनर लगा लेते हैं, जिसका हमने यहाँ पे देख सकते हैं रील बोर्ड में कनेक्शन ले लिया। यहाँ पे हमारा ड्रिल मशीन अवेलेबल है, तो चलिए इसको हम ड्रिल कर लेते हैं अभी। तो गाइस देख सकते हैं, अभी यहाँ पे लग के हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे पावर बोर्ड में हम कनेक्शन दे देंगे। उससे पहले गाइस, यहाँ पे हम एंगल वाल लगाएंगे, 2 एंगल वाल लगाएंगे, तभी हमारा इनलेट और आउटलेट पाइप इसमें आगे कनेक्ट होगा, जो कि वहाँ से आके कनेक्ट होगा इसमें। तो एंगल वाल, चलिए इसके बाद एंगल वाल यहाँ पे फिट कर लेते हैं, पूरा अच्छे तरीके से फिटिंग करेंगे एंगल वाल का, उसके बाद में इनलेट और आउटलेट पाइप इसमें फिट करेंगे। चलिए गाइस, अभी एंगल वाल फिट कर लेते हैं।
ए टू जेड आप लोगों को दिखाएंगे गाइस क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है वाटर गीजर लगाने में। आप लोग अगर वाटर गीजर लगाने का काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको पूरा ये वीडियो देखने के बाद पूरा नॉलेज हो सकता है, या खुद अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं क्लियर तरीके से मेंशन कर रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, क्या क्या टूल्स यूज कर रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा गाइस। तो चलिए गाइस इसमें अभी एंगल वाल फिट कर लेते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं एंगल वाल। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एंगल वाल है, दो एंगल वाल हमारा लगेगा। कोई भी वाटर गीजर हो उसमें दो एंगल वाल ही लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा एंगल वाल, कुछ इस तरीके से रहता है। और ये भी हम आप लोगों को दिखाएं तो ये भी सेम रहता है, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगा हुआ है हमारा, इस तरीके से हमारा काम करता है। तो चलिए इस पे गाइस इस पे हम टेप्लान टेप लगाएंगे, पूरा इस पे टेप्लान टेप लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको बोलते हैं टेप्लान टेप गाइस। इसको आप लोग मार्केट से इजीली ले सकते हैं, 10 रुपये का मिलेगा या 5 रुपये का मिलेगा। मेरे यहाँ तो 5 रुपये का मिलता है, आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग टेप्लान टेप लगाइएगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लग गया। और इसके बाद इसको हम खोलेंगे कुछ इस तरीके से, इजली खुल जाएगा हमारा, हाथ से नचाएंगे नहीं खुलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम पाइप रिंच का इस्तेमाल करेंगे। अगर खुल जाएगा तो ठीक है गाइस, नहीं खुलेगा तो पाइप रिंच का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इजली हमारा खुल गया है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे फिटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से हमारा फिटिंग हो गया है। अभी सेकंड वाले का भी सेम क्वालिटी से हम फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फिटिंग हो गया। दोनों का जो इनलेट और आउटलेट का पाइप का मुंह लगेगा, देख सकते हैं ऊपर के साइड हमने कर दिया, जहाँ पे ऊपर के साइड हमारा लगेगा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इस साइड घुमाने से ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा लग गया। अभी चलिए इसको पाइप को भी फिटिंग कर लेते हैं, सेम क्वालिटी पाइप को भी फिटिंग करेंगे। एक पाइप हम फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से फिटिंग होगा, उसके बाद सेकंड वाला खुद आप लोग करिएगा। ऊपर के साइड में यहाँ पे गाइस टेप्लान टेप लगाएंगे पहले फर्स्ट नंबर पे। टेप्लान टेप बहुत जरूरत है, जरूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है लीकेज का, लीकेज अगर हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, इसलिए गाइस जरूर टेप्लान टेप लगाइएगा आप लोग। और इसी तरह का इस सेम क्वालिटी से यहाँ नीचे भी लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे भी टेप्लान टेप लगा दिया और ऊपर में भी लगा दिया। तो यहाँ पे अभी चलिए इसको पाइप को फिटिंग करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अच्छी तरीके से हमने फिटिंग कर दिया, ऊपर भी फिटिंग कर दिया, नीचे भी फिटिंग कर दिया। अभी चलिए सेम क्वालिटी से इसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद पावर देख देखते हैं, इसको चालू करके देखते हैं। चलिए सेम क्वालिटी से फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गाइस एकदम लग के कंप्लीट हो गया, प्लगिंग करना बाकी है। प्लगिंग करके इसको स्टार्ट करके भी आप लोगों को दिखाते हैं, चालू करके दिखाएंगे। मेरी देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, चलिए आगे का प्रोसेस यहाँ पे प्लग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्लग लगाने के बाद यहाँ MCB ऑन कर देंगे। तो ये अभी चालू हो गया गाइस, तो देख सकते हैं ये अभी चालू हो गया है। तो चलिए टोटी में देखते हैं, ये जो टोटी हमारा लगा हुआ है इस टोटी में देखते हैं गर्म पानी हमारा आता है या नहीं आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अभी हमारा सब कुछ ओके हो गया। ये जो है हमारा टोटी के बारे में देखें तो ये जो है डायरेक्ट टोटी है, जब मोटर चालू करेंगे तभी डायरेक्ट आएगा। और ये टंकी का टोटी है जो कि टंकी से डायरेक्ट होकर आ रहा है। और ये जो है आपका वाटर गीजर का टंकी है, जो कि वहाँ पे गीजर जो लगाए हुए हैं इंस्टॉल किए हैं उसी का जो है टोटी यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इसमें इसको ऑन करते हैं, अभी देख सकते हैं इसको ऑन किया है। तो यहाँ पे तो देखते हैं गाइस यहाँ से ऑन करते हैं अभी। तो देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही हम ऑन किए तो वहाँ पे देख सकते हैं हमारा पानी गिरना स्टार्ट हो गया। जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पानी गिरना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हमने बंद कर रखा है, तो यहाँ से इसको भी ऑन करेंगे तो इसमें पानी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लग के कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई अच्छा वीडियो आप लोगों को लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा जरूर।